जयपूर मुंबई ट्रेन मधील B5 कोच मध्ये 4 लोकांची गोळ्या झाडून निर्गुण हत्या करणाऱ्या RPF कॉन्स्टेबल चेतन सिंग यांच्या विरुद्ध फास्ट ट्रॅक कोर्टात खटला चालून आरोपीला फाशीची शिक्षा व्हावी यासह विविध मागण्यांसाठी विभागीय आयुक्त यांना निवेदन देण्यात आले। आज महाराष्ट्र मुस्लिम अवामी कमेटी की तरफ से गवर्नमेंट को एक निवेदन दिया हमने, जिसमें हमारी मांग थी जो अभी जो हादसा हुआ ट्रेन का, जो ट्रेन में 4 लोगों को एक पुलिस वाले ने शूट किया वर्दी में रहते हुए, और ख़ास तौर पे उसमें 3 मुसलमान थे। हर बोगी में अलग अलग जाके ढूंढ के दाढ़ी टोपी वालों को शूट किया, और उसके बाद उसका स्टेटमेंट रहता कि देश में रहना होगा तो मोदी और योगी को वोट देना है, और इनका कनेक्शन पाकिस्तान से है। और ये क्या हालात बना के रखे इस मुल्क में, प्रधानमंत्री ने और होम मिनिस्टर ने इस मुल्क के क्या हालात बना के रखे, ये आप देखो किस लोगों की मानसिकता क्या बिगड़ी। मेन मीडिया इसको बता रहा नहीं, और जो नूह में वाक़या हुआ, जो नूह में जो हालात हुए, जो वहाँ पे जो कई हज़ार गाड़ियाँ जले, कई मुसलमानों के दुकानें जले, कई मुसलमानों पे हमले हुए, मस्जिद जलाई गई, इमाम को मारा गया, और क्या मुसलमानों को रहना मुश्किल कर दे रहे इस देश में ये BJP RSS के लोग। और हमारा देश के प्रधानमंत्री उस पर खामोश है। मणिपुर का भी हमने दिया, मणिपुर में हमारी माँ बहनों को रोड पर नंगा घुमाया जा रहा है, ये बड़ी शर्म की बात है। क्या किस तरफ हमारा देश जा रहा है ये, और हज़ारों लोगों का मर्डर किया, हज़ारों लोगों को रोड पे भून दिया मणिपुर में, 60,000 लोग उसमें हैं, कैंपों में हैं, और पूरे मुल्क में अराजकता का माहौल है, और प्रधानमंत्री बाहर के देश की यात्राओं में मसरूफ़ है और देश की तरफ ध्यान नहीं है। ख़ास करके माइनॉरिटीज पे जो जुल्म हो रहा, मैं मुसलमानों को सताया जा रहा है, ये बंद करो वरना मुल्क के हालात बहुत ख़राब होंगे और देश के लिए अच्छी बात नहीं है। यही हमने मेमोरेंडम दिया डिविजनल कमिश्नर के मार्फत, हमने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को निवेदन दिया।